अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई डेस्किंग, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डेस्किंग फॉरेक्स। तो आए भाइयों, आज शुरू करते हैं हम ऑयल के ऊपर मैपिंग करते हैं थोड़ी सी, और देखते हैं कि नेक्स्ट हमें ऑयल क्या मूव दे सकता है, क्योंकि पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि मुसलसल ऑयल जो है वो फॉल कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यूएस ऑयल खोल ली है और इसको अब हम देखेंगे, इसको चार्ट को मैप करेंगे हम पहले देखेंगे जो इसके करेंट सीन है वो क्या कह रहे हैं हमें। ये टाइम फ्रेम मैंने खोला हुआ है H4। ठीक है, पहले मैं H4 पे ड्रॉ करूँगा और फिर D1 पे जाएंगे, और D1 पे हम देखेंगे कि हमें क्या चांस मिल सकता है ऐसा जिसके ऊपर हम देखें और हम एक स्नाइपर एंट्री ले सकें। ठीक हो गया भाइयों, इसके ऊपर जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है अभी हम इसको ड्रॉ करते हैं, एक चैनल मुझे नज़र आ रहा है। ठीक हो गया भाइयों, ये देख लेते हैं हम एक चैनल। ठीक है, ये हमने चैनल ड्रॉ कर लिया। अब हम देखेंगे कि इसके मिड सेक्शन जो है वो भी इस तरह से हम ड्रॉ करें कि मिड सेक्शन जो है चैनल का वो भी प्रॉपर सॉरी अपनी जगह पे बैठे। अब ये पॉइंट हमें नज़र आ रहा है कि मिड सेक्शन भी वर्क कर रहा है। ये देखें, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि मार्केट मुसलसल जो है बैरिश है, उसने ये मिड सेक्शन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट हुआ है, फिर ये वापस आ गई और फिर ये सपोर्ट, ये सपोर्टिव ट्रेंड लाइन से दोबारा से ये देखें, ये मिड का जो सेक्शन है ये वर्क कर रहा है। यहाँ से वापस आई, यहाँ से फिर आई, फिर जब इसने यहाँ से ब्रेक किया और फिर ऊपर चली गई। ये H4 का टाइम फ्रेम है भाइयों। ठीक हो गया, अब हम देखते हैं थोड़े से लेवल्स देख लेते हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास ये एरिया में इसको ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट कर लेते हैं एरिया, क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रही है यहाँ पर, क्योंकि अच्छा पॉइंट हो सकता है बाय करें तो यहाँ तक हम अपना TP एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया था, ये एक मुझे तो मज़े का लेवल लग रहा है, एक तो ये पॉइंट भी आ रहा है हमारे पास, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद आप देखेंगे कि ये बहुत मज़े का सीन हुआ भाई, यहाँ से ये देखें कि ये यहाँ पे लगे हुए, ये वाला सपोर्ट ब्रेक हुई है, ब्रेक होने के बाद ये देखें भाई, ये इसने ब्रेक किया, इसको ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट हुई और ये वापस जा रही है। ठीक है, अभी यहाँ से मार्केट शो यही कर रही है कि ये पॉसिबल है कि ये यहाँ से ब्रेक होकर स्विंग करेगी, लेकिन ये देखें इसने ये जो लास्ट सपोर्ट थी ना, ये जो ये वाला लो था इस स्विंग का, ये वाला लो पॉइंट, ये भी ब्रेक हुआ है, ये ब्रेक हुआ है और उसके बाद यहाँ से वापस ये मार्केट रीटेस्ट हुई और ये वापस नीचे जा रही है। और ये कहाँ तक नीचे जा सकती है, अब ये हम इसको थोड़ा सा मज़ीद स्टडी करने के लिए हम इस चार्ट को, क्योंकि यहाँ से तो देखें हमें कोई सपोर्ट ही नीचे नज़र आ रही, इस सपोर्ट को देखने के लिए हम H4 से D1 पे शिफ्ट करेंगे। हम देखेंगे कि कौन सी नीचे सपोर्ट ऐसी आ सकती है जो हमें बताए कि नीचे भी जो जहाँ तक प्राइस फॉल कर सकती है। ठीक है, अब भी राइट नाउ 70 पे जा रहा है इस टाइम, और ये हम कर लेते हैं जी D1 के ऊपर, और ये देखेंगे ये आ गया हमारे बैरल का रेट, ये भी तो ये देखें, ये एक आ रहा है एरिया हमारे पास सपोर्ट का, ये पॉइंट आ गया, ये इसका मतलब ये है कि मार्केट इस लेवल तक गिर सकती है। ये एक पॉइंट हमें होगा मिलाने की कोशिश करते हैं हम, ये पॉइंट। ठीक हो गया भाइयों, अब ये देखें ये क्या बन रहा है, मुझे यहाँ पे भी एक चैनल जो है ना वो नज़र आ रहा है। ये देखें, ये D1 के ऊपर हम यहाँ से उठा लेते हैं इसको, और यहाँ भी एक चैनल निकला है, ये इसका मिड सेक्शन भी वर्क कर रहा है बड़ा प्यारा, और ये अपर साइड पे तो हमें 2 पॉइंट्स नज़र आए हैं इसके, लेकिन ये नीचे वाला जो सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है
इस पे काफ़ी ज़्यादा पैचेस नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो इसका मतलब ये कि ये वैलिड है, ये वैलिड चैनल है। ठीक है, इसकी देखें डाउन साइड भी वर्क किया है, मिडल सेक्शन से नीचे भी देखें इसने वर्क किया और मिडल सेक्शन से ऊपर भी इसने वर्क किया है। यहाँ से अब ये देखें इसका मिड सेक्शन ब्रेक हो गया, तो पॉसिबिलिटी है कि ये बाकायदा मार्केट इस पॉइंट को टेस्ट करने के लिए आए, जो इसने इधर कहीं 2000 ये दिसंबर में इसने कहीं टच किया था। ये देखें जी, हाँ जी ये देखें जी, 2 दिसंबर को टच किया था लास्ट ईयर में इसने, ये हैमर बना था जी डे वन का, और ये 2 दिसंबर को इसने लास्ट ईयर की 2021 में 2 दिसंबर को इसने टच किया था और मार्केट में इधर बनाया था जी एक प्यारा सा हैमर बनाया था, और हैमर के बाद फिर मार्केट गई ऊपर। और अब ये पॉसिबिलिटी है कि ऑयल वापस इस एरिया पे आए, इस सपोर्ट पे, इस प्राइस के ऊपर आए और यहाँ से फिर हमें मार्केट मूव दे सके ऊपर की। ठीक है, तो अब हमारे पास एक एरिया आ गया, हमें पता कि मार्केट यहाँ तक मूव कर सकती है, ये सपोर्ट हमें मिल गई है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम डे वन से आ जाएंगे, क्योंकि हमें असल में एक सपोर्ट चाहिए थी, हमें H4 पे सपोर्ट नहीं मिल रही थी, हमने क्या किया उसको डे वन पे शिफ्ट कर लिया। अगर इन एनी केस अगर मुझे डे वन पे सपोर्ट नज़र में आती तो मैं क्या करता, मैं फिर वीक पे शिफ्ट कर लेता। लेकिन जो आपको मतलब समझ लें कि अगर H1 पे सपोर्ट नहीं नज़र आ रही तो वो आपको H1 पे नहीं आ रही, M30 पे आप कर रहे हैं तो उससे बड़े टाइम फ्रेम पे आपको मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो उससे आप बड़े टाइम फ्रेम पे आएँ तो आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको नज़र आ जाएगी। ठीक हो गया भाइयों, अब इसको हम एक काम करते हैं, हम इस पर वापस हम जाते हैं H4 के ऊपर, लें जी अब हमारे लिए सपोर्ट तैयार है। ठीक हो गया भाइयों, ये जो बाहर वाली ट्रेंड लाइन है ये भी हमारी वर्क करेगी। ठीक है, लेकिन हमें ये इतना पता लगे कि डे वन की चल रही है। ठीक है, ये बड़े टाइम फ्रेम की, और ये अच्छी हो सकती है अगर मार्केट कहीं यहाँ से ब्रेक होने के बाद यहाँ पे कहीं सपोर्ट देती है ना ये वाला जो, इसका मतलब है ये जो प्राइस रेंज है हमें लॉन्ग करने के लिए एंट्री 82 से 84 का जो एरिया है। ठीक हो गया भाइयों, इसको थोड़ा सा मुझे जूम करने से मैं आपको बताता हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात है भाइयों, यहाँ से अभी किसी ने बाय का नहीं सोचना, हालांकि ये कैंडल इसी तरह की है, जब मार्केट ओपन होगी यहाँ से किसी ने बाय का नहीं फ़ौरन से सोचना, क्योंकि हमें एक एरिया नज़र आ रहा है यहाँ से ऑयल गिरा है बहुत बुरे तरीके से, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी इसकी यही बन रही है कि यहाँ से ये एटलीस्ट इस एरिया पर टच करे। अगर मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है ना एक स्विंग पूरा करने, उम्मीद है कि अभी ये स्विंग पूरा नहीं करेगी इतने आराम से, यहाँ से मार्केट पहले फॉल करेगी, यहाँ से फिर आएगी, यहाँ से फिर, क्योंकि ये अगर आगे तक मैं लाऊँ ना, क्योंकि जिस तरह से मार्केट नीचे गिर रही है ना, अब यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन भी आ रहे हैं, ये जो पॉइंट आ रहा है ना दो, इनके मिड सेक्शन आ रहे हैं 2 चैनल्स के। ठीक है, और डे वन के और H4 का, तो पॉसिबिलिटी है इसको इस लाइन को ब्रेक करने में थोड़ी सी टेंशन होगी, बट यहाँ से मार्केट अगर आती है ये सपोर्ट इसके लिए अच्छी हो सकती है, ये बहुत अच्छी सपोर्ट हो सकती है। बट हम क्या करेंगे, हमने अगर ट्रेड करनी है ना तो भाई मैं यही कहता होता हूँ कि हमने खाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं करनी, हमने इससे एक स्टेप आगे जाना है। ठीक है, हमने पैटर्न को ट्रेड करना, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए ठीक है, यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं, ये हमारी एंट्री बनती भी है कि इसने एक सपोर्ट को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद रिटेस्ट के बाद ये आप मूवमेंट देख सकते हैं कि बैरिश मूव हुई है ऑयल में, यहाँ से हम यहाँ तक के लिए जा सकते हैं, इतना स्टॉप लॉस रखा और यहाँ पे हम टीपी अपना रख सकते हैं। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए ठीक है, लेकिन मेरे लिए बेहतर यही है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि आप पैटर्न्स को ट्रेड करें। पैटर्न को ट्रेड करने का मतलब यह कि ये जो चैनल हमारे पास आ गया ना, ये डिसेंडिंग चैनल, ये वाला जो आ रहा है हमारे पास, ये वाला थोड़ा सा मुझे बड़ा करने में, तो बीच में वो डे वन वाला भी आ रहा है, ये जो हमारे पास चैनल आ रहा है ना इसको ट्रेड करना है, तो इसके लिए सबसे प्यारा पॉइंट यही है कि मार्केट एक बार यहाँ से सपोर्ट लेती है, वैसे तो यहाँ से भी एंट्री बन सकती है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं हम एक स्विंग यहाँ से यहाँ तक के लिए। ठीक है,
वो भी अच्छी स्विंग हो सकती है इस पॉइंट तक। जो ऑयल पे ट्रेड करते हैं उनके लिए बड़ी मज़े की एंट्री है, और ऑयल बड़े सुकून के साथ चलता है, उन भाइयों को पता है जो ऑयल पे ट्रेड करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए अच्छी एंट्री है, लेकिन अगर बहुत बेहतर एंट्री लेनी है जिसमें हमारा प्रॉपर शिफ्टिंग ऑफ जोन हो जाए, क्योंकि ये असेंडिंग चैनल है, मज़ा तभी आएगा जब प्रॉपर आपको एक किस्म की कंफर्मेशन हो जाए, क्योंकि डाउन का ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड टूटेगा, और वो टूटेगा कहाँ पे, जब ये वाला जो ये पॉइंट है ना, ये वाला एरिया, ये मार्केट ब्रेक करती है। लेट्स से मैं आपको थोड़ा सा भाइयों बता देता हूँ कि अगर ये हमारे पास लेट्स से मार्केट ये थोड़ा सा इसको दोबारा टेस्ट करके यहाँ पे आती है, और यहाँ से ये जो मिडल सेक्शन है इसका वो वर्क करता है, यहाँ से सपोर्ट लेती है, फिर हमारे पास क्या पॉइंट होगा, यहाँ से भी हम स्विंग पे जा सकते हैं इस पॉइंट तक के लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये फिर रेजिस्टेंस है आपके लिए बन गई, क्योंकि पहले तो सपोर्ट थी, ये पॉइंट बन गया अब आपके लिए रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर इस पॉइंट को ब्रेक करती है मार्केट, मार्केट ब्रेक करती है, शिफ्टिंग ऑफ जोन होता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेती है, तो ये पॉइंट है भाई आपके लिए असल ट्रेड करने के लिए, ठीक हो गया भाई। ये वाला पॉइंट, ये वाला जो बनता है ना आपके पास एरिया, वो ज़बरदस्त बनेगा आपकी लॉन्ग जाने के लिए ऑयल पे। तो इसलिए मैं यही मशवरा दूंगा कि ये एरिया बाय करने के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसको भी हम ये एरिया बाय करने के लिए आपके लिए बेहतरीन है ये वाला स्पॉट जो है लॉन्ग जाने के लिए। और सबसे मज़े का स्पॉट कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ लॉन्ग करने के लिए, क्योंकि ये वाला एरिया आपने देख लिया, ये जो आपके पास एरिया बन रहा है, ये एरिया आपके पास आ रहा है 82 से 84 का जो लेवल है वो बहुत ज़बरदस्त आ रहा है आपके लिए, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, ये जो चैनल पूरे डे का चैनल है ना, डे वन की कैंडल का चैनल, वो चैनल भी ब्रेक होगा, ठीक है। उसमें क्या सीन होगा, इसको ज़रा थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, उसमें क्या होगा, अगर मार्केट आती है अगले नेक्स्ट मंथ तक भी इसको ब्रेक करती है, लेट्स से जनवरी के अंदर जाके अगर ये वाला एरिया हमारा ब्रेक करती है, ये वाला, ये ब्रेक करके रीटेस्ट करती है, तो फिर तो बहुत मज़े की मूव होगी। अब ये ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं इसको शिफ्ट करता हूँ डे वन में वापस। ये चीज़ मैं भाइयों कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास, ये देखें, अब ये हमारा डे वन का लेवल ब्रेक होता है, सॉरी इसको इस तरह देखें, ये क्या होगा, ये जो हमारे पास डिसेंडिंग चैनल आ रहा है, इसको डिसेंडिंग चैनल कह लें या फ्लैग कह लें, बुलिश फ्लैग, या ये बल्कि चैनल ही है, इसको चैनल ही कहें, फ्लैग इतना बड़ा नहीं होता, ठीक है, फ्लैग, क्योंकि ये देखें ये प्रॉपर चैनल है, क्योंकि इसमें ये जो इसका पोल है ना, पोल पोल के साथ ही इसकी डाउन साइड टच हो रही है, तो ये फ्लैग नहीं है, चैनल ही है। फ्लैग होता तो ये यहाँ तक होता एटलीस्ट, ठीक है, ये इसका पोल और ये फ्लैग, ठीक है, और ये प्रॉपर चैनल है और ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, डबल बॉटम करने आ रहा है, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया, ये हैमर से गई थी मार्केट, ये डबल बॉटम करने आ रहा है, और ये डबल बॉटम के ऊपर भी अगर सपोर्ट देता है ना ऑयल, तो यहाँ पे अगर बड़ी मज़े की हमें मिल जाती है, कोई कैंडल एनगल्फिंग मिल जाती है, कोई बुलिश सैश मिल जाता है, कुछ भी आपको पैटर्न बुलिश मिलता है देखने को, तो यहाँ से हमारी एंट्री बहुत मज़े की बनेगी। एक स्विंग तक के लिए हम जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर हमें एक डे वन पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है इस पॉइंट पे, ये देखें ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ डे वन की रेजिस्टेंस आ रही है, जो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ वीडियो भाइयों, थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन इंफॉर्मेटिव होगी, ये डे वन की जी आपकी रेजिस्टेंस भी आ रही है, तो ये यहाँ से अगर बाय करना है ना भाइयों, तो उसके लिए ये वाला स्पॉट बेहतर रहेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी है इतना बड़ा जो बेरिश मोमेंटम है ऑयल पे देखने को नज़र आ रहा है, क्योंकि ऑयल यहाँ से उठा था और ये इसने लास्ट हाई मारा था, और 2022 के 9th मार्च को जो इसने लास्ट हाई मारा है, 9th मार्च को, उसके बाद मार्केट मुसलसल फॉल ही किया है, फिर मार्केट ने यहाँ से वापस गई भी है मार्केट, एक ये भी इसने अच्छा छोटा सा चैनल था बना के, फिर उसके बाद ये ब्रेक हुआ है और मुसलसल मार्केट नीचे डाउन की तरफ है, बेरिश मूव है, तो लिहाजा इसको बड़े एहतियात से ट्रेड करना पड़ेगा इस पॉइंट को। यहाँ पे अगर आती है तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के लिए ठीक है एंट्री, लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है और ये रीटेस्ट का ये पॉइंट आता है, तो भाइयों ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट होगा हमारे पास करने के लिए,
ये पॉइंट हमें कम से कम यहाँ तक के लिए, या फिर चुप करके ये लॉन्ग हम जाते हैं तो हम यहाँ तक जा सकते हैं आराम से। ठीक हो गया भाइयों, लेकिन ये मार्केट डायरेक्टली नहीं सीध जाएगी इस तरह से, ये स्विंग्स की फॉर्म में ही जाएगी मार्केट। जैसे देखें यहाँ से मार्केट सीधी नहीं गई यहाँ तक, ठीक है, स्विंग्स कर करके गई है, बीच में देखें इतना ऊपर जो आके वापस भी आई है, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर देखें मुसलसल उसने यहाँ तक अपना पूरा किया और उसके बाद फिर ये चैनल फॉर्म किया। तो हमने वेट करना है, हमने अगर समझ लें कि इतनी बड़ी एंट्री नहीं भी लेनी ना ऑयल के ऊपर, तो हमने एटलीस्ट अगर इसको मैं H4 के ऊपर शिफ्ट करूँ तो हमारे पास एटलीस्ट ये वाली एंट्री है जो मैंने आप लोगों को बताई है कि यहाँ से यहाँ तक तो सेल मूव बन जाती है हमारी, ठीक है, लेकिन ये हो सकता है यहाँ तक भी हो सकता है वापस आए मार्केट, फिर उसके बाद फॉल कर दे। लेकिन असल हमारी ट्रेड एक बाय की यहाँ पे एंट्री, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि डाउन का ट्रेंड है, डाउन के ट्रेंड में मैं कहता होता हूँ कि बाय के लिए नहीं जाना, इसीलिए ये एंट्री फिर हमारी रिस्क वाली हो सकती है, ठीक है, ये रिस्की एंट्री है, लेकिन ये जो एंट्री है ये प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ होगी। ठीक हो गया भाइयों, उसकी रीज़न ये है, ये रिस्की इसलिए क्योंकि ये चाहे बहुत ज़बरदस्त लेवल है, डे वन का लेवल है, लेकिन लेवल टूटते देर नहीं लगती क्योंकि मार्केट का पीछे मोमेंटम जो है वो सेलिंग की तरफ है, बेरिश मोमेंटम है, और ये बेरिश मोमेंटम अगर आता है यहाँ से स्विंग्स लेता हुआ इसको भी ब्रेक कर सकता है। ये नहीं कि यहाँ से मार्केट 100% ऊपर ही जाएगी, इसीलिए मैं ये स्पॉट रिस्की बोल रहा हूँ आपको। हाँ, अगर यहाँ पे कोई एविडेंस देता है, आपको अच्छी कैंडल देखने को मिलती है, सिंगल कैंडल में अगर हैमर ही मिल जाता है, एनगल्फिंग मिल जाती है, कुछ भी थ्री इनसाइड आप मिलता है, कुछ भी मिलता है आपको, तो आप यहाँ से उसके लिए बाय में बैठ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी रिस्की एंट्री मैं समझता हूँ क्योंकि एक ट्रेंड डाउन का है। अलबत्ता प्रॉपर ट्रेंड शिफ्ट होता है इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पूरे का पूरा नीचे आ रहा ट्रेंड, यहाँ पे प्रॉपर ट्रेंड शिफ्ट होगा। ठीक हो गया भाइयों, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सेफ ट्रेडिंग कीजिएगा, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त डैशकिंग को इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।